नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जंक्शन थाना के जांच अधिकारी ASI कृष्ण बिश्नोई ने बताया कि परिवादी को फ्लैट लेने के बहाने घर बुलाया और फिर दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देकर उससे 5 लाख रुपए मांगे, जिस पर पीड़ित ने मौके पर 2 लाख रुपए मंगवा कर दिए और 3 लाख रुपयों के एवज में पीड़ित ने स्कॉर्पियो गाड़ी लिखवाई। इसके बाद आरोपी पीड़ित को स्कॉर्पियो गाड़ी ले जाने और 3 लाख रुपए देने के लिए धमका रहे थे, जिस पर उसने जंक्शन थाना में मुकदमा दर्ज करवाया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोमल, सुमित्रा, नीलम, राजेश, जांदू और गुरुसेवक को गिरफ्तार किया। वहीं एक अन्य फरार आरोपी प्रेम बलिहारा की तलाश की जा रही है। दिनांक 7/6/2024 को नीलम, सुमित्रा, गुरविंदर कौर और राजेश जांदू व प्रेम बलियारा निवासी सतीपुरा ने एक आपराधिक षड्यंत्र रच कर एक प्रार्थी को न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में ले जाकर बलात्कार का धमकी देके उसको पैसे देने के लिए गया, जिस पर उसको एक तो उसके साथ स्कॉर्पियो गाड़ी थी जिसकी प्रेम बलिवारा और गुआ बन के राजेश जांदू ने अपने नाम स्टाम्प लिखवा लिया था और 10 लाख रुपये लेने की मांग की थी, जिसमें प्रार्थी के पास नगद नहीं थे। उसने रिश्तेदारों को फोन कर अपनी शान शौकत बचाने के लिए बुलाया, जिस पर 2 लाख रुपये नगद उसी दिन दिए और कुछ बाकी 3 लाख रुपये के लिए गाड़ी लिखाई। उसने इतने रुपये उपलब्ध होने बताए, जिस पर इनकी आपस में पंचायतें चलती रही। दिनांक 10/6/2024 को प्रार्थी ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिस पर राजेश जांदू द्वारा बार बार प्रार्थी को बकाया राशि देने में बगैर गाड़ी लेने के लिए गाड़ी कहा कि तुम पैसे दे जा, तेरी गाड़ी ले जा, जिस पर थाने पर सूचना प्राप्त होने पर एक मैंने SI राजकुमार व बलदेव कांस्टेबल और टीम गठित कर उनकी लोकेशन लेके आज जरिए मुख्य सूचना मिली कि उक्त व्यक्ति कुछ अपने न्यू सिविल लाइन में पैसे का जो है वितरण कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं। मुताबिक इतला हम मौके पर पहुंचे, जहां पर उनको दस्तयाब कर पूछताछ कर जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर 3 महिला व 2 पुरुषों को गिरफ्तार कर बंद हवाला किया गया है। तो इन्होंने पहले भी इस तरह की कोई वारदात को अंजाम दिया है? वारदात अभी तक इन्होंने ये चुस्त में चलाक है बताया नहीं, ऐसी वैसी घटनाएं तो की है, प्रतीत हो रही है, क्योंकि लोग अपनी लोक लाज बचाने के लिए ये सूचना दे रही है।